हाय फ्रेंड्स, आपण को स्वागत करुच्छे स्टडी विथ रिंकुशाह जेनारे। एक क्लास रे आम 1857 विद्रोह विषय पढ़ा। आपण 1857 विद्रोह विषय पढ़ी थे आगर मध्य, एवं एक क्लास रे आम डिटेल्स पढ़ा 1857 विद्रोह विषय। एवं आपण यदि कौन से एग्जाम देखते अनुसार आम एक क्लास रे पढ़ा। आपण एग्जाम देखते कौन से क्वेश्चन रहा, समस्त क्वेश्चन आंसर आपण दे पारे। एग्जाम परस्पेक्टिव को देखे आम एक क्लास रे पढ़ा 1857 विद्रोह विषय। अन्य मध्य हिस्ट्री रो क्लास करा जाय छे, ताहा को जदि आपन देखबा पई चाहन्ते ताले आम चैनल हिस्ट्री प्ले लिस्ट को जे देखि परबे। एवं प्रतिदिन क्लास करबा पई चाहन्ते ताले आम चैनल को सब्सक्राइब करन्तु, ता सहित टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हेने ताले डिस्क्रिप्शन को जाय आपन जॉइन हे परबे। जे कोनसे एग्जाम देउछन्ते ताले एही क्लास मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टे। 1857 विद्रोह, 1857 विद्रोह आम पई कौन थिला? 1857 विद्रोह को आम अन्य कौन कही थौं? सिपाही विद्रोह मध्य कही थौं। कौन कही थौं? सिपाही विद्रोह मध्य कही थौं। एवं ता सहित आम यहाँ को अन्य कौन कही थौं? प्रथम विश्वयुद्ध मध्य कही थौं। फास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस मध्य कही थौं। काहे कि यहाँ को आम फास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस मध्य कही थौं, 1857 विद्रोह मध्य कही थौं, ता सहित आम यहाँ को सिपाही विद्रोह मध्य कही थौं, ता विषय रे मध्य डिटेल्स जानिबा। यह 1857 मसीह 1857 मसीह होइतबारो याको आमे कोन कहितौ? 1857 विद्रोह कहितौ। सिपाही विद्रोह काहे के कहितौ? काहे के ना याको सिपाही विद्रोह ना दिथिले के माने ब्रिटिश हिस्टोरियन माने बा ब्रिटिशर माने कोन कहितिले याको सिपाही विद्रोह कहितिले। या मधे एग्जाम रे आसीथिला एवं आसी पारे मधे। ब्रिटिश हिस्टोरियन माने कोन डिस्क्राइब करथिले याको सिपाही विद्रोह, या होची केवल सिपाही मानकर गोटे छोटो विद्रोह कहितिले। किंतु आम पई कौन थी आम इंडियन हिस्टोरियन माने कौन कही हूँ आम पई गोटे प्रथम विश्वयुद्ध अटे। कौन अटे? प्रथम विश्वयुद्ध, फास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तेणु डिटेल्स पढ़ा ता विषय प्रथम जाना तार कज काईक 1857 विद्रोह होता। आप जानते एनफिल्ड रैफर नामक गोटे बंधुक इंट्रोड्यूस्ड कर मंगल पांडे द्वारा। मंगल पांडे को इंट्रोड्यूस्ड करने कहुला यहाँ आम 1857 विद्रोह आरंभ होता। ता पूर्वर मध्य अनेक गुड़े कारण थिला, ता तो इमीडिएट कॉज थिला, ता पूर्वर अनेक गुड़े कारण थिला। कौन कारण थिला? इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स नामक गोटे पॉलिसी को आम देश में कौन करते ब्रिटिशर मैंने इंट्रोड्यूस्ड करते। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स पॉलिसी मैंने कौन अटे? डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स पॉलिसी मैंने अटे जो राजा निजर बायोलॉजिकल चाइल्ड नथिबे, निजर पुत्र नथिबे, से राज्य को ब्रिटिशर मैंने नहीं जाऊते। एवं यहाँ आम देशर जमीक झांसी है अनेक गुड़े राज्य को ब्रिटिशर मैंने नहीं जाइए। एवं से आम देशर राजा मैंने कौन करते रागी जाते ब्रिटिशर मानी। ता सहित कौन करते हेवी टैक्सेशन, हेवी टैक्सेशन, हेवी टैक्सेशन मैंने अधिक टैक्स ने आपड़ शुणि 60% टैक्स जो जगार चाष होते टैक्स निला, जो जगार चाष न होने अधिक टैक्स नि। ता सहित अन्य कारण कौन थी? इंडियन सोल्जर वेल पेड लो सैलरी। आम देशर जो सोल्जर मैंने से सोल्जर आकार रखित थे कि बहुत कम पैसा देते, से सोल्जर मैंने रागी अधिक टैक्स सेसन नापी। फार्मर मैंने रागी डॉक्टर ने प्लेस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करदे द्वारा किए रागी आम देशर राजा मैंने रागी नॉट प्रमोटेड एवर सुबेदार। ता सहित आम देशर जो सोल्जर मैंने से सुबेदार रु ऊपर को पदवी को प्रमोशन जाऊनला। ता सहित इंडियन सोल्जर वेर रेसियाली डिस्क्रिमिनेटेड, अर्थात इंडियन सोल्जर मानक कला एवं गोरा भाव में भेदभाव कराला। एथपाई 1857 विद्रोह यह गोटे कारण अटे। द ब्रिटिश डिनाइड टू पे फॉरेन सर्विस अलाउंस। फॉरेन को युद्ध करने दि जाऊला आम देशर सोल्जर मानक, किंतु फॉरेन सर्विसेस दि जाऊन जहाँ कि ब्रिटिश सोल्जर मानक दि जाऊला। ता सहित तो कौन कर एवोल्यूशन ऑफ सती प्रैक्टिस। आपण जानते सती क्या कहा जाए? सती जदि कौन स्त्री स्वामी जदि मरी जाती है स्त्री को कौन से ही निरे ही जाली दि जाऊला। यह आमपाई कौन थी? ठीक थिला आम इंडियन मानक ठीक थिला, किंतु ब्रिटिशर मैंने कौन करते यह सती एक्ट आनी। यह खराब अटे, यह खराब अटे, किंतु आम पई यह आमे करिबा कथा निजे,
कि आमे निजे एक्ट आणिबा कथा आमे समस्त ताकु स्टॉप करिबा कथा किंतु आम कल्चर सहित आम इंडियन माने कोन कहुथिले आम कल्चर सहित से भेदभाव करुछंती सेथिपई मध्य आम देशर लोक माने रागी जाइथिले ता सहित विडो रिमेरेज एक्ट आम पई विडो रिमेरेज ठीक थिला सेही समय रे किंतु एहाको मध्य विडो रिमेरेज एक्ट आनी देथिले ब्रिटिशर माने सेथिपई मध्य आम देशर लोक माने रागी जाइथिले एहा आम कार्य अटे आमे ठीक ना भूल आमे जानिबु ता कहुथिले आम इंडियन माने से मैंने आम कल्चर सहित आम ट्रेडिशन सहित से मैंने भेदभाव करेंक गुड़े लोग कौन करते रागी जाइए एजुकेशन फॉर वोमेन्स वोमेन्स मानक एजुकेशन दे दूसरे ब्रिटिशर मैंने यह आम पर ठीक नाला से समय जदि एजुकेशन जदि देवाहे आम डिसाइड करवा ब्रिटिशर मैंने डिसाइड करवा ना कहते आम इंडियन मैंने से रागी जाइए ता सहित क्रिश्चियन मिशनरी यही समस्त कौन था कारण थी आमर 1857 विद्रोह ता सहित यही समस्त तो तार कारण थिला ता सहित मेन मेन कारण कौन थिला इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल एंड कैटरेज व्हिच आज ग्रेट विथ एनिमल फेड प्रोवाइडेड टू स्पार्क अर्थात कण गोटे एनफील्ड राइफल नामक गोटे बंदूक को इंट्रोड्यूस्ड करा जाइथिला सेथिरे कौन थिला गाय चमड़ारे ताहा तयारी थिला ता सहित एवं गाई एवं घुसुरी चमड़े ताला यह आम घुसुरी मुसलमान मान कौन था पवित्र नुहे ता सहित आम गाई चमड़े था मंगल पांडे कौन थे जड़े ब्राह्मण घर थे ताको मना कर खोलवापी कौन मुहरें खोलवापी पड़ूला तेणु यह तार 1857 विद्रोह मेन कारण अटे एवं यार केबे आरंभ होता केबे आरंभ होता 1857 विद्रोह 29 मार्च 1857 मसीह किए यह फायर करते 29 मार्च 1857 ए सोल्जर ने मंगल पांडे 34 रेजिमेंट फेयर एट हिज सीनियर ऑफिसर बैरकपुर से कौ जगार आरंभ करते बैरकपुर आरंभ करते किए 29 मार्च 1857 मसीह किए मंगल पांडे आरंभ करते मंगल पांडे कौ जगार बिलंग करुते ब्रिटिश सैन्य बाहन 34 नंबर रेजिमेंट गोटे से ही 34 नंबर रेजिमेंट रू किए बिलंग करुते मंगल पांडे बिलंग करुते से जगह से कार्य करुते जन सोल्जर भाव एवं से बैरकपुर रू आरंभ करते सीनियर लीडर को कौन करते से फायर कर देते बंदूक मारी तापर कौन होता एठार तो आरंभ होता 10 मे 1857 मसीह सिपाही मैंने कौ जगार आरंभ करते मीरठ रू आरंभ करते कौ सिपाही मैंने आरंभ करते 5 नेटिव कैवेलरी सिपाही मैंने आपड़ जब एग्जाम देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास अटे आम 10 रु 15 मिनट मध्य एग्जाम अनुसार ही पढ़ा 5 नेटिव कैवेलरी एग्जाम आसपे क्यों कैवेलरी सिपाही मैंने आरंभ करते बर्तमान इजी क्वेश्चन आसूना तेणु 5 नेटिव कैवेलरी सिपाही मैंने आरंभ करते 10 मे 1857 मसीह कौ जगार मीरठ रु यह 1857 मंगल पांडे जब पचार जाए तो बैरकपुर रु सिपाही मैंने कौ जगार मीरठ रु कौ सिपाही मैंने 5 नेटिव कैवेलरी सिपाही मैंने 10 मे 1857 मसीह आरंभ करते जून 1857 मसीह समय कौन होता आम नॉर्थ इंडिया रे ताहा हो जाइला आरंभ हो जाइला ऑल नॉर्थ इंडिया रे एवं एथेरे लीडर किए थे बहादुर शाह सेकेंड को कौन करते जड़े लीडर भाव में घोषणा कर विद्रोह लीडर भाव में बहादुर शाह जड़े मुगल राजा थे लीडर भाव में घोषणा कराइला से गोटे स्लोगान देते मार्च टू दिल्ली इंपोर्टेंट अटे स्लोगान मार्च टू दिल्ली नामक गोटे स्लोगान देते किए बहादुर शाह सेकेंड एवं तारु से आरंभ करते यह 1857 विद्रोह कौन कारण एवं तहत आम तार आउटब्रेक केमी 1857 विद्रोह ता विषय में जान लें ता सहित कॉज ऑफ फेल्युअर कहीं आम यह 1857 विद्रोह कौन होता फेल्युअर होता ता विषय में जाना कहीं 1857 विद्रोह फेल्युअर होता तार कारण कौन था आमर ठीक लीडरशिप नाला 1857 विद्रोह कौन था लैक ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप अर्थात ठीक लीडर नी 1857 विद्रोह कहीं बहादुर शाह सेकेंड थे जन से बुढ़ा हो जाइए 80 इयर्स होता पुअर कोऑर्डिनेशन आमर कौन से कोऑर्डिनेशन नाला पुअर क्वालिटी ऑफ वेपन्स आमर जो अस्त्र शस्त्र ठीक भाव क्वालिटी
ନଥିଲା। ତା ସହିତ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶର। ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ବ୍ରିଟିଶର ମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରି ଦେଉଥିଲେ 1857 ବିଦ୍ରୋହରେ। ତ ଏହା ଥିଲା ତାହାର ଫେଲିଅର ଥିଲା, ଫେଲିଅରର କାରଣ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଏଠାରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏକ୍ଜାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ, ଲିଡର ଲିଡର କିଏ ଥିଲେ 1857 ବିଦ୍ରୋହରେ, କିଏ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଲିଡର ଥିଲେ, ଏହା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ ଯଦି ନୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଏ ଥିଲେ, ବାହାଦୁର ଶାହ ସେକେଣ୍ଡ, ବଖ୍ତ ଖାନ୍ ଏବଂ ହକିମ ଇହ୍ସାନୁଲ୍ଲା, ଏହି ତିନି ଜଣ କ'ଣ ଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀର ଲିଡର ଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀର ଯଦି ପଚାରାଯାଏ ତାହେଲେ ବାହାଦୁର ଶାହ ସେକେଣ୍ଡ, ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀର ପଚାରାଯାଏ ତାହେଲେ ବଖ୍ତ ଖାନ୍। ସେମିତି ଲକ୍ଷ୍ନୌର କିଏ ଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଲିଡର କିଏ ଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ନୌର ବେଗମ ହଜରତ ମହଲ ଥିଲେ, ବେଗମ ହଜରତ ମହଲ ଥିଲେ, ବିର୍ଜିସ୍ କ୍ୱାଦିର ଥିଲେ, ତା ସହିତ ମୌଲବୀ ଅହମ୍ମଦ ଉଲ୍ଲା, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଡଙ୍କା ଶାହ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ, ସେ ଥିଲେ କେଉଁ ଜାଗାର, ଲକ୍ଷ୍ନୌର। ସେମିତି ଦେଖିବା କାନପୁରରେ କିଏ ଲିଡର ଥିଲେ, କାନପୁରରେ ନାନା ସାହେବ ଥିଲେ କାନପୁରରେ ଲିଡର, ଯାହାକୁ କି ଧନ୍ଦୁ ପଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ, ତାନ୍ତିଆ ଟୋପେ ଅଜିମ ଉଲ୍ଲା ଥିଲେ କାନପୁରର ଲିଡର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଝାନ୍ସିରେ, ଝାନ୍ସିରେ କିଏ ଲିଡର ଥିଲେ, ମହାରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଝାନ୍ସିର ଲିଡର ଥିଲେ। ବିହାରରେ କୁଁୱର ସିଂ ଏବଂ ଅମର ସିଂ ଦୁଇ ଜଣ ଲିଡର ଥିଲେ, କୁଁୱର ସିଂ ଏବଂ ଅମର ସିଂ। ଫଜିଆବାଦରେ ମୌଲବୀ ଅହମ୍ମଦ ଉଲ୍ଲା ଥିଲେ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଜୟଦୟାଲ ସିଂ ଏବଂ ହରଦୟାଲ ସିଂ, ଜୟଦୟାଲ ସିଂ ଏବଂ ହରଦୟାଲ ସିଂ। ଏହାକୁ କିପରି ମନେ ରହିବ, ଏହା ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏହା ମନେ ରହିଯିବ। ଗୋରଖପୁରର ଗଦର ସିଂ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ଥିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଏବଂ ମନୋରମା ଦତ୍ତା, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଏବଂ ମନୋରମା ଦତ୍ତା ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଲିଡର ଥିଲେ। ବ୍ୟାରକପୁରରେ କିଏ ଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାରକପୁର 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ଥିଲେ। ମିରଟରୁ କିଏ ଥିଲେ, କଦମ ସିଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମଥୁରାରୁ ସେବି ସିଂ, କୁଲ୍ଲୁରୁ ରାଜା ପ୍ରତାପ ସିଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କୁଲ୍ଲୁ ରାଜା ପ୍ରତାପ ସିଂ। ଆହ୍ଲାବାଦ ଏବଂ ବନାରସ ମୌଲବୀ ଲିଆକତ ଅଲି, ଆହ୍ଲାବାଦ ଏବଂ ବନାରସ ମୌଲବୀ ଲିଆକତ ଅଲି। ଫରୁକାବାଦ ତୁଗଲକ ହସନ ଖାନ। ବିଜନୌରରୁ କିଏ ଥିଲେ, ମହମ୍ମଦ ଖାନ। ମୁରାକାବାଦରୁ କିଏ ଥିଲେ, ଅବଦୁଲ ଅଲି ଖାନ, ଅବଦୁଲ ଅଲି ଖାନ। ବରେଲିରୁ ଖାନ ଅବଦୁଲ ବାହାର ଖାନ, ବାହାଦୁର ଖାନ। ମନ୍ସରରୁ କିଏ ଥିଲେ, ଫିରୋଜ ଖାନ ଥିଲେ। ଗ୍ୱାଲିୟରରୁ ତାଣ୍ଟିଆ ଟୋପେ ଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ତାହାର କେଉଁମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଲିଡର ଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସସ୍ପେନସନ୍ ବିଷୟରେ। ସସ୍ପେନସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ, ଲିଡରମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଲିଡରମାନଙ୍କର କିଛି ହୋଇଥିବ, ଏଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସରି ସସ୍ପେନସନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ମାନେ ବ୍ରିଟିଶରମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ବ୍ରିଟିଶରମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ କିଏ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ କିଏ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶର ତରଫରୁ, ଏହା ହେଉଛି ଜନ୍ ନିକୋଲସନ୍ ଏବଂ ହଡ଼ସନ୍, ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶରମାନଙ୍କର। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଜନ୍ ନିକୋଲସନ୍ ଏବଂ ହଡ଼ସନ୍। କାନପୁରରୁ ହେବଲକ୍ ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍, ଏହା ବ୍ରିଟିଶର ତରଫରୁ। ଝାନ୍ସିରୁ ହ୍ୟୁଗ୍ ରୋଜ୍ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଣୀବାଇକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ହେବଲକ୍ ଅଟରମାନ ଜେମ୍ପିଲ ନିଲ୍ କାମ୍ବେଲ, ବନାରସରୁ ଜେମ୍ସ ନିଲ୍। ଏଠାରୁ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ବଡ଼ ଏକ୍ଜାମ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଲେଭେଲର, ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ଲେଭେଲର, ତାହେଲେ ଏଠାରୁ ହିଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ ଟୁ ଦ ଲିଡର, ଲିଡରମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ଏଠାରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଏକ୍ଜାମରେ। ବାହାଦୁର ଶାହ ସେକେଣ୍ଡ, ବାହାଦୁର ଶାହ ସେକେଣ୍ଡଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ଜେଲ୍ ରଙ୍ଗୁନ, ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଥିଲା ହ୍ୟା ବିଇଡି ଏକ୍ଜାମରେ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା, ରଙ୍ଗୁନ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ବାହାଦୁର ଶାହ ସେକେଣ୍ଡକୁ, ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବେଗମ ହଜରତ ମହଲ ଏବଂ ନାନା ସାହିବ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ନେପାଲକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ଏସ୍କେପ୍ ଟୁ ନେପାଲ। ମହାରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ତାଙ୍କର କ'ଣ, ବେଟେଲ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ହିଁ ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ, ତାନ୍ତିଆ ଟୋପେ, ଅହମ୍ମଦ ଏବଂ ଅଦରଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ଫାଶୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ପାସ୍ଡ ବାଇ ଦ ଲର୍ଡ଼ କେନିଂ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ପାସ୍ କରିଥିଲେ କିଏ, ଲର୍ଡ଼ କେନିଂ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଆମ ଦେଶର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1858। ତା ସହିତ କ'ଣ କରାଗଲା, ପାୱାର ଅଫ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଟୁ ବ୍ରିଟିଶ କ୍ରାଉନ୍, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଶାସନକୁ ଏଣ୍ଡ କରିକି ବ୍ରିଟିଶ କ୍ରାଉନ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ତା ସହିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପଦବୀକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଭାଇସରୟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କରିଦିଆଗଲା, ଏବଂ ଲର୍ଡ଼ କେନିଂ ହେଲେ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ
ଭାଇସରାୟ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ। ଏହା ଥିଲା 1857 ବିଦ୍ରୋହ ବିଷୟରେ।